Hello and anyway, good afternoon to you all. So we are studying a structure of atom and we have discussed the various models like Rutherford model, JJ thompson model. <coughs> so <coughs> we have talked about the limitations of Rutherford model. Today we are going to discuss about the structure structure model of atom after So according to uh According to Rutherford, there, there are some limitations in Rutherford, Ford. Rather limitations that he compared the structure with the solar solar system model and he said that atoms, electrons are in a circular orbit. So these were challenged by Bohr and he proposed a theory in the of Bohr's uh, model of atom R. जब रदरफोर्ड ने बात किया था तो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के मान लो हमारे न्यूक्लियस है तो यहाँ हमारा तो उन्होंने कहा था कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसने कभी ये मेंशन नहीं किया कि मतलब इस इनके बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा उसने कहा कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में उसका सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसने रेडियस कभी मेंशन नहीं किया मतलब इसके हिसाब से हमारा ये ये कुछ भी हो सकता है कोई कोई भी रेडियस किसी भी रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है लेकिन इसको चैलेंज किया हमारे भोज ने भोज ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हाँ करता तो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट में लेकिन उनका जो ऑर्बिट होता है उनका वो फिक्सड होता है विथ फिक्स एनर्जी एंड फिक्स लॉसिटी और हर ऑर्बिट का अपना फिक्स एनर्जी होता है अलग अलग एनर्जी होता है और हर वेलोसिटी भी सबका अलग अलग होता है फ़िक्स मतलब फ़िक्स वेलोसिटी और फिक्स एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं उनका फिक्स ऑर्बिट होता है और फिक्स एनर्जी भी इनका इनका होता है दूसरा दूसरा जो मेन मेन पॉइंट था उसने क्वांटाइजेशन के बारे में बताया जब यहाँ पे क्वांटाइजेशन की बात हो का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड तो यहाँ जब पहली बार टर्म ये क्वांटाइज़ वाला टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका ये मतलब है कि उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के एक गेट इंटीग्रल मल्टीपल्स में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में मल्टीपल में होता है इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट 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 फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होता है मतलब जिनका फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होता है और एंगुलर मोमेंटम होता है इनके बीच बीच में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई मतलब एच बाई टू पाई इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर एच बाई टू पाई है तो नेक्स्ट हमारा टू एच बाई टू होगा फिर थ्री एच बाई टू होगा फिर फोर एच बाई टू ऐसे होगा कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी ऐसा नहीं होगा जीरो पॉइंट फाइव एच पॉइंट टू फाइव ये कभी नहीं होगा ऐसा कोई हमारा ऑर्बिट और्ब, का ये ऑर्बिट का जो होगा वो ऐसा कुछ कभी नहीं होगा यहाँ पे एक नया टर्म आया है एंगुलर मोमेंटम अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम ये एक फिज़िक्स का टर्म है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जब भी कोई जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के आरगेट तो इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई वेलोसिटी होगी इनकी कोई वेलोसिटी होगी कोई स्पीड होगा इस स्पीड को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम हम को हम किस चीज से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को हम l is equal to nh 2π ये nh 2π हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अब ये l क्या है l हमारा एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम और एन क्या है हमारा नंबर ऑफ शेल्स एच क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है ये बाकी तो टू और पाइव हमारा ये तो कांस्टेंट ही है और एच एच किसके बराबर होता है हमारा एच का वैल्यू होता है हमारा सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन एस पॉ माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड ये होता है हमारे एच प्लैंक्स कॉन्सटेंट का जो टर्म है वो अब एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल इजल टू एम वी आर एम क्या होता है एम क्या होता है एम एम मास होता है वी वेलोसिटी होता है आर रेडियस होता है अब यहाँ जस्ट जैसे हमने एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉइंट टू पाई लिख सकते हैं हम एंगुलर मोमेंटम हमने जो कैलकुलेट किया था एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एम वी एच और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है एन एच अपॉइंट टू पाए इंटीग्रल मल्टीपल्स ये इन हमें क्या बताता है ये इन हमें नंबर ऑफ शेल्स या न किस कौन से शेल में है

पॉजिटिव हमारा किसके कारण प्रोटॉन्स के कारण जिसमें जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके कारण हमारा न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह इस्तेमाल करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इस्तेमाल ये यही यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीप्यूटर फोर्स बन जाता है और इसी फोर्स के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसने ये बताया अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अब इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं वन अपॉन फोर फाइव से नॉट चार्ज क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये दो चार्ज है मतलब यहाँ पे हमारा प्रोटॉन है या न्यूक्लियस का चार्ज है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज है और हम ये कहते हैं कि हमारा ये न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होगा अगर हर एलिमेंट का जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो अलग अलग होगा जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन की बात करें या हीलियम की बात करें लिथियम की बात करें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितना है उतना ही न्यूक्लियस का चार्ज होगा ठीक तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन फोर बाई थ्री वन क्यू वन क्यू टू अपन आर उसके हमारा दो चार्ज के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो है और हमारा सेंट्रपिटल फोर्स बराबर होता है एम वी आर एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम वी स्क्वायर अपॉन आर हमारा क्या बताता है सेंट्रपिटल फोर्स बताता है अब यहाँ यहाँ पे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है वन अपॉन फोर फाई ये एप्साइलन नॉर्थ एफसाइलन नॉर्थ क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर और हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपन आर अब यहाँ पे दो जो दो चार्ज की बात करें तो हमारा चार्ज एक चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है ई इलेक्ट्रॉन के वजह चार्ज दूसरा चार्ज हमारा न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज जितना एटॉमिक नंबर उतना चार्ज जेड ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर स्कूल मतलब रेडियस दो चार्ज के बीच में या ये प्लस क्यू चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसको हम कहेंगे आर सेंटीपीटर फोर्स को एमयू स्क्वायर पर आर तो यहाँ पे ई जड स्क्वायर यहाँ पे दो ई हैं तो यहाँ पे जड ई कितना हुआ यहाँ पर हुआ हमारा वन अपॉन्ट फोर पाईल नॉट जड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दो चार्ज थे एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये हम यही ये जो चार्ज का जो नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो जो सेंट्रिपेटल चार्ज है वो बराबर होता है इसी चार्ज के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रोल मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है ठीक अब जो हमारा फोर्थ पोस्टलेट है भोर का जैसे मैक्सवेल ने कहा था कि जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं मैक्सवेल के हिसाब से जितने चार्ज पार्टिकल होते हैं जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में होता है वो क्या करता है वो एनर्जी छोड़ देता है या रेडिएशन छोड़ दे रेडिएट होता है जैसे मैक्सवेल का एक था यही हमारा जो मैक्सवेल का जो इसी मैक्सवेल के थ्योरी के बेस पे हमने हमारा जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वही वो, वो हमारा वायलेट कर गया था लेकिन यहाँ पे हमारा बोल भोज क्या कहता है कि भोज भी यही कहता है कि ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी लॉस कर देता है कर देता है वो जब एक न्यूक्लियस की जब घूमता है तो फिक्स 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 एनर्जी में घूमता है ना उसका जो उसका जो एनर्जी होता है या उसका जो एनर्जी होता है वो क्वांटाइज होता है क्वांटाइज मतलब फिक्सड बराबर क्वांटाइज मतलब बराबर बांटा गया है मतलब इसका अलग एनर्जी होगा सेकंड सेल का अलग होगा थर्ड सेल का अलग होगा फोर्थ सेल का अलग होगा फिफ्थ सेल का अलग होगा उसने क्वांट एनर्जी यहाँ क्वांटाइज होता है नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है बोर्स का बोर्स के फिफ्थ पोस्टुलेट में उसने कहा कि एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन अब ये दो टर्म्स क्या है एक्साइटेशन मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा या इलेक्ट्रॉनर्जी एनर्जी अगर लॉस करेगा तो ये थोड़ा बहुत डिग्रीड हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा इसके बोर्स ने इस कंसेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से या इलेक्ट्रॉन अपने वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने शेल से या अपने अपने अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन का जो है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये दो पॉइंट कंट्रेक्ट्री है कि यहाँ से जब इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन ना चार्ज गेन करता है ना लॉस करता है लेकिन नेक्स्ट में उस सेम सेम मतलब नेक्स्ट पॉस्टलेट में उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कैसे किया जैसे इलेक्ट्रॉन अगर उन्होंने जैसे एक्साइटेशन हुआ या डिकाइट एक्साइटेशन का मतलब ये हो कि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया वो नेक्स्ट सेल में चला गया हायर एनर्जी सेल में अगर कोई हायर एनर्जी सेल में था उसने कोई एनर्जी गेन किया तो उसने वो लोअर एनर्जी सेल में आया लेकिन यहाँ पे वायलेट क्यों नहीं करता तो क्यों नहीं करने का रीज़न ये है कि उसने कहा कि जो एनर्जी सेल्स हैं ये जो जैसे जितने शेल्स हैं वो फिक्स्ड क्वान्टज्ड है मतलब क्वांटाइज का मतलब ये है कि इनका इनके एनर्जी अलग है इनके एनर्जी अलग है और इनके एनर्जी अलग है इलेक्ट्रॉन खुद ख़ुद मुख्तार नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन खुद की मर्जी के हिसाब से किसी शेल में नहीं बैठ सकता मतलब इलेक्ट्रॉन खुद मतलब ऑटोनमस नहीं है इलेक्ट्रॉन को जो शेल का एनर्जी है या जिस इस शेल में जैसे कि मान लिया जैसे होता है इसको कैलकुलेट करते हैं रेडियस मतलब एनर्जी शेल्स को लेकिन यहाँ हमने माना इसका अगर माइनस टू है फिर यहाँ पे माइनस वन है मतलब यहाँ पे माइनस फोर मान लो फिर माइनस थ्री मान लो माइनस टू मान लो फिर माइनस वन मान लो अब जितना आगे मतलब ये अगर जितना किसी इलेक्ट्रॉन का अगर माइनस टू होगा तो फर्स्ट शेल में होगा माइनस थ्री होगा तो सेकंड शेल में होगा माइनस फोर होगा या तो माइनस टू माइनस टू अगर एनर्जी होगा तो माइनस टू शेल में ही जाएगा इसका मतलब यह कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ऑर्बिट्स इस ऑर्बिट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका एनर्जी फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन इसके शेल्स के एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड जैसे कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है तो उन्होंने कहा कि शेल्स की एनर्जी होती है उसी शेल्स के कारण उसी शेल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे जाते हैं यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम जैसे कि इसी शेल्स के बेसिस पे जैसे कि के एल एम एन फ़र्स्ट शेल को के कहा फिर सेकंड को टू कहा एल सेकंड को एल कहा फिर थर्ड को एम कहा इसी इसी के एलिमेंट या के एलिमेंट या वन टू थ्री फोर जो शेल्स होते हैं वो इसके बेसिस पे किया कि ये जो नंबर शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है क्वांटाइज्ड होती हैं फिक्स्ड होती हैं